अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। सो जनाब, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीक तक हम लोगों ने वेट लॉस प्रोडक्ट्स और प्रोसीजर्स के बारे में काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर चीज़ें डिस्कस की थी कि कौन सा वेट लॉस प्रोडक्ट या प्रोसीजर हमारे लिए हेल्दी है और कौन सा नहीं है। सो लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे वो बेसिकली फैट डाइट्स के बारे में था, और मैंने आपसे कहा था कि फैट डाइट्स, हर जितनी भी फैट डाइट्स इस वक्त मार्केट में हैं, उन सब के ऊपर मैं वन बाय वन इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाऊंगा, सो दैट वंस एंड फॉर ऑल आपको पता चल जाए कि जनाब ये अब जो है नई फैट डाइट आई है और इससे हमने दूर रहना है या इसके बारे में हमने क्या करना है। लेकिन क्योंकि बड़ी ईद की आमद आमद है, इंशाल्लाह ताला ईद उल अज़हा चंद दिनों में आने वाली है। 1 अगस्त को पाकिस्तान में ईद उल अज़हा है और ये उससे पहले आखिरी हफ्ता है। सो मैंने सोचा कि फैट डाइट्स की जो बकिया वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद बना ली जाएं, और इस वीक के अंदर हम क्यों ना ईद को फोकस करें। और क्योंकि बड़ी ईद है और जाहिर है इसके अंदर बहुत सारा ताल्लुक गोश्त खाने से और उसकी अफादियत से जुड़ा हुआ हो सकता है, सो मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस इस बारे में बना लीजिए। सो आज जो हम बात करेंगे वो कुछ जनरल डाइटरी गाइडलाइंस हैं जो हम बड़ी ईद के ऊपर, ईद उल अज़हा के ऊपर जो हमें फॉलो करनी चाहिए और जिनको फॉलो करके हम फायदा उठा सकते हैं। सो सबसे पहली जो चीज़ है वो तो आपने ये जहन में रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं ईद उल अज़हा की, जाहिर है कि ये गोश्त खाने से जुड़ी हुई होती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि आप गोश्त जरूर खाएं लेकिन एतदाल से। तो ये पहला पॉइंटर है। बाज़ुकात ही होता है कि हम लोग थोड़ा सा जज्बाती हो जाते हैं जब गोश्त खाने की बात आती है ईद के मौके को लेके, और फिर हम बहुत सारे मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते हैं जो हमारी सेहत से जुड़े होते हैं। तो गोश्त खाएं जरूर मगर इत्तेदाल से। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हों तो कोशिश ये करें कि घर की बनी हुई कोई चटनी, कोई रायता या फिर कोई ऐसी किसी भी किस्म की चटनी जो घर की बनी हुई है उसका आप इस्तेमाल करें। उसकी वजह यह है कि जो मार्केट की चटनी है वो खाने से आपको वो फायदा नहीं मिलता, उसका शायद टेस्ट या जायका आपको बहुत बेहतर लगता है घर की चटनी की निस्बत, लेकिन जो घर की बनी हुई चटनी होती है वो आपकी आपको आपका खाना हजम करने में भी मदद देती है। उसमें हरे रंग वाली चटनी बनती है धनिया पुदीने की, फिर कुछ घरों में टमाटर की चटनी बनती है, इमली की चटनी भी बनती है, बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की चटनियाँ बनती हैं, दही का रायता बनता है। सो ये सारी अकसाम की जो चटनियाँ हैं ये आपकी निज़ाम इन्हज़ाम को बेहतर करती हैं। सो गोश्त के साथ इनका इस्तेमाल बहुत बेहतर, आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप बड़ी की बात करें और गोश्त का इस्तेमाल करें तो उसके साथ प्लीज़ फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि आमतौर पे जब छोटी बड़ी या कुछ इस तरह की फेस्टिविटीज़ आती हैं तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स का या फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल बेदरेक कर रहे होते हैं। तो उसकी दो वजूहत हैं, एक तो ये कि उनकी वजह से आपकी कैलोरिक इंटेक भी खामखा बढ़ जाता है, दूसरी चीज़ ये है कि कोल्ड ड्रिंक्स या फिजी ड्रिंक्स के इस्तेमाल जो है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा भी बिल्कुल नहीं है। चौथी ये चीज़ है कि जब आप गोश्त का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें उसको नान की बजाय चपाती के साथ इस्तेमाल करें। आमतौर पे होता है कि जी निहारी बन रही है या हलीम बन रही है तो लोग कहते हैं हमें उसके साथ नान ज़्यादा पसंद है, सो नान की बजाय कोशिश कीजिएगा चपाती का इस्तेमाल करें, क्योंकि नान मैदे से बना हुआ होता है, वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। चपाती एक बहुत बेहतर ऑप्शन है नान के मुकाबले में। पांचवी चीज यह है कि जब भी आप गोश्त की बात करें तो कोशिश करें कि ऐसे खाने बनाएं जो जिसके अंदर गोश्त को बहुत ज्यादा फ्राई ना किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर बारबेक्यू वर्सेस फ्राइड गोश्त की बात करें तो बारबेक्यू एक बेहतर ऑप्शन है बनिस्बत गोश्त को फ्राई करके खाने की। इसी तरह से फिर एक और चीज़ ये है कि आप गोश्त खाएं, जाहिर है बड़ी ईद की बात है, गोश्त के बगैर वो मुकम्मल नहीं होती, लेकिन कोशिश करें कि वो जो भी गोश्त है वो घर का बना हुआ हो, खाना घर का बना हुआ आप खाएं बजाय इसके कि आप बाजार का खाना खाएं। फिर एक और पॉइंट ये है कि बाज़ुकात होता है कि ईद वाले दिन भी हमारी मिलना मिलाना इस तरह से होता है कि बहुत लेट नाइट तक हम खा पी रहे होते हैं, और क्योंकि गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब हम बहुत रात देर तक गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें बदहजमी की शिकायत हो सकती है। तो आप बहुत ज्यादा कोशिश करें कि मैक्सिमम 10 बजे के बाद गोश्त का इस्तेमाल ना करें। फिर एक और पॉइंटर यह है कि जब भी आप खाना खाएं बड़ी ईद के ऊपर खास तौर पे, तो उसके साथ सलाद जरूर खाएं। उससे नेचुरली ये होगा कि अगर आपने एक सर्टेन अमाउंट में गोश्त खाना है तो उससे आप कुछ कम खाएंगे, क्योंकि जाहिर है सलाद की वजह से आपका पेट थोड़ा सा भर चुका होगा।
इसके अलावा ये है कि बेकरी की बनी हुई मसनूआत मसलन केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, डोनट्स हो गए, इनका इस्तेमाल कोशिश करें कि कम से कम जितना कम हो सकता है उतना कम आप करें, सो दैट आपकी जो सेहत है उसके लिए चीज़ें कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती। और आखिरी चीज़ ये है कि बहुत मरतबा ये देखने में आता है ईद के मौके पर ख़ास तौर पे और इवन आम दिनों में भी कि लोग को अक्सर रात के खाने के बाद बदहजमी की शिकायत होती है और उसको दूर करने के लिए लोग गलती ये करते हैं कि फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर सफ़ेद वाली जो है। सो याद रखिएगा ऐसी जो फिजी ड्रिंक्स हैं वो सिर्फ आपको वक्ती तौर पर फायदा देती हैं, लॉन्ग टर्म में जाके ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। तो अगर आपको ऐसी शिकायत हो तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप 3 से 4 चम्मच दही का इस्तेमाल करें, या फिर आप आधा ग्लास ठंडा दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें चीनी मत डालिएगा, सो वो आपकी बदहजमी को बेहतर कर सकती हैं। और इसी तरह से फिर आप हल्के हल्के जहां तक मुमकिन हो सके थोड़ा सा चहलकदमी करें, वो आपकी बदहजमी को दूर करने में बहुत बेहतर साबित होगा। सो ये मेरे कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको बड़ी ईद पे ईद उल अज़हा पे फॉलो करने से आपकी ज़िंदगी यकीनन आसान हो सकती है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन भी हिट कर दें, सो दैट आपको आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।